भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर हमीरपुर जिला के धनेटा गांव तहसील नदौन में बीतिया समावेशन एवं साक्षरता शिविर ग्राम संपर्क अभियान का शुभारंभ कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋण उसी समय स्थानीय लोगों को वितरित किए गए, जिसमें कृषि कार्ड एवं मुद्रा प्रमुख रहे। ये अभियान चार प्रमुख बिंदुओं डिजिटल क्रेडिट, सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता पर केंद्रित है, जो विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देगा और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को सार्थक करेगा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के बारे में अवगत कराया गया और स्थानीय लोगों को इन योजनाओं के तहत जोड़ा गया। इस कार्यक्रम में सभी लोगों को डिजिटल उत्पादों जैसे भीम ऐप, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इत्यादि उपयोग करने हेतु और इनके उपयोग को आसान करने के तरीकों से भी लोगों को अवगत कराया गया। इस उपलक्ष्य पर ग्राम पंचायत धनेटा के प्रधान, खंड विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी तथा अन्य विभागों से आए अधिकारी एवं कर्मचारी वो पीएनबी बैंक के मंडल प्रमुख विनीत चावला, मुख्य जिला अग्रणीय प्रबंधक जीसी भट्टी, मुख्य प्रबंधक विनीत अग्रवाल, स्थानीय शाखा प्रबंधक सुधीर कुमार एवं अजीत कुमार भट्ट, शाखा प्रमुख मालक कांगू मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2020 तक चुनिंदा शाखाओं में इस तरह के 6 और अभियान का आयोजन किया जाएगा। थोड़ा सा ये जो आज का प्रोग्राम है कि पंजाब नेशनल बैंक, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, उसने महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में 500 डिस्ट्रिक्ट में ग्राम संपर्क अभियान चलाया है। इसके तहत जो इसका मेन उद्देश्य है, जो गांव के लोगों के पास बैंक वाले खुद पहुंचकर उनको बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें मुख्य रूप से कृषि ऋण, मुद्रा ऋण, जो सरकार की स्कीम सोशल सिक्योरिटी को लेकर है, जैसे अटल पेंशन योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस तरह की योजनाओं से आम जनता को अवगत कराना और उनसे ये रिक्वेस्ट करना कि वो सब इन योजनाओं से जुड़े और इनका लाभ उठाएं। दिसंबर तक पूरे देश में लगभग 25,000 गांवों में बैंक के अधिकारी और कर्मचारी जाकर लगभग 25,000 गांवों में इन इस अभियान को करेंगे। जैसे कि आपने अगर ग्रीन हाउस का काम करना है, तो ग्रीन हाउस अगर बनाना है तो आपको तभी मिलेगा जब आप उसको लोन केस बनवाएंगे। जब आपको लोन अप्रूवल होगा वहाँ से, तभी हम आपको सब्सिडी देंगे, क्योंकि टोटली लोन के बेसिस पे मिलती है। दूसरा, अगर आपने मशरूम का काम करना है, लार्ज स्केल पे मशरूम का काम करना है, जैसे कि हमारे पास मशरूम की अगर आप काम करते हैं तो छोटे यूनिट पे 50,000 रुपया मिलता है, लेकिन अगर आपने लार्ज स्केल पे करना है तो आपको 8,00,000 रुपया मिलेगा, जिसमें आपने 2 मशरूम प्रोडक्शन यूनिट रूम बनाने, एक पैक हाउस और एक साथ में गैलरी के लिए आपको सब्सिडी मिलती है, जिसमें पूरे 8,00,000 होंगे, लेकिन वो तभी मिलेंगे जब वो बैंक से लोन फंडेड होगा। तो आपने, जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि आप किसान क्रेडिट कार्ड बना लें, उसके थ्रू लोन अप्रूव करें, फिर हमारे से बेनिफिट लेना हो, छोटे जो सब्सिडी से छोटे कंपोनेंट है उसमें आप सब्सिडी ले सकते हैं बिना बैंक के उससे, लेकिन जो बड़े बड़े लार्ज कंपोनेंट है जिसमें लाखों के अमाउंट की सब्सिडी है, उसके लिए आपको बैंक से लोन के बनाना काम करना भी आता है। तो ये एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू हम अपनी काफ़ी पैसे का लेन देन कर सकते हैं बिना ब्रांच पे या बैंक पे अपनी डिपेंडेंसी शो करते हुए। अब सबसे पहले तो जो आप केसीसी लें या बैंक में कोई भी तरह का खाता खुलवाएं, बैंक में कई तरह के डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, केसीसी कार्ड वगैरह होते हैं, आप सबने ले भी रखे होंगे। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ बेसिक कार्ड्स के साथ इंश्योरेंस कवर भी रखा हुआ है, जिसका बहुत बेनिफिट है हम लोगों को। जैसे आप अपना बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और उस पर हमें अगर भगवान ना करे कुछ होता है तो हमें उस पर इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। उसकी एक ही कंडीशन होती है कि हमारा कार्ड
और खाता चलता रहना चाहिए, मतलब उसमें कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होती रहनी चाहिए, जो एक बड़ी मामूली सी बात है और वो होती रहती है।